सागर कहाँ से आप आए? मैं बिहार से हूँ। बिहार से ही आए हैं यहाँ? गुड़गांव में रहता हूँ मैं। अच्छा, क्या हुआ था आपको? फुटबॉल खेला था, पैर में मोच आ गया था। अच्छा, फिर उसके बाद वहाँ से फिर कुल्ले में दर्द स्टार्ट हो गया, चारों उंगलियों उंगलियों में दर्द होने लगा जिस टाइम। हाँ, फिर डॉक्टर को चेक कराया तो बोले भाई का शिकायत था आपको। क्या भाई? गठिया भाई का। तो फिर क्या क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद दवाई खाते गया। कितने साल हो गया आज दवाई खाते? दवाई खाते 8-10 साल हो गए। 10 साल जी। भैया ने फुटबॉल में ठोकर मारी, गिर पड़े। उसके बाद ध्यान से सुनना, बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ, नंबर से बुला लो, बैठ जाओ, तुम्हारे से नहीं मान रहा, नंबर से बुलाता हूँ। फुटबॉल मारे, किक मारी फुटबॉल में, ये गिर पड़े, इनके शरीर में दर्द होने लगा। ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया गठिया बाय है। क्या है? गठिया बाय बढ़ती गई, ये दवाई खाते गए, गठिया बाय बढ़ती गई। लास्ट में ये हुआ कि सभी जोड़ों में दर्द, इसके अलावा गठिया बाय का कूल्हों में भी दर्द हो गया। कहाँ पे? कूल्हों में भी दर्द। कौन से हॉस्पिटल में आप दिखा रहे थे बताओ? मैं बनारस बीएचयू में दिखाया इलाज। बनारस बीएचयू, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। दिल्ली में द्वारका में दिखाया। दिल्ली में द्वारका में कहाँ? द्वारका सेक्टर 6। द्वारका सेक्टर 6। ये सारे डॉक्टर ना घिस घिस के मर जाए तब भी इनसे किसी गठिया बाय वाले का दर्द तक खत्म नहीं होगा, ठीक होने की तो बात अलग है। अब इसमें फिजियोथेरेपिस्ट लग जाए, एक्यूपंक्चर वाले लग जाए, आयुर्वेद वाले लग जाए, एलोपैथी वाले लग जाए, तब भी इनकी उम्र बीत जाएगी, हजारों लाखों साल निकल जाएंगे तब भी इनको इसका कुछ पता चलेगा नहीं। क्योंकि जिस आदमी ने ठोकर मारी किसमें? फुटबॉल में। उस टाइम ठोकर इसको लगी, ये खुद गिर पड़ा, तब इसको ठोकर लगी एक प्रेत की और वो इसके शरीर में घुस गया। पैर जमीन पे मारो 3 बार, जय शनिदेव जय शनिदेव। किस हालत में मेरे पास आए थे? अभी क्या हालत है ये भी बता दो। काफी पेन था। जोर से मार जमीन पे पैर। अब ये साइंस के विपरीत काम है, क्योंकि हम जिस साइंस से जुड़े हैं वो स्पिरिचुअल साइंस है। कौन सी साइंस है? स्पिरिचुअल साइंस है। और उस स्पिरिचुअल साइंस में मंत्र विज्ञान एक अलग कला है। उस स्पिरिचुअल साइंस से आपके रोगों का निवारण किया जाता है। उस स्पिरिचुअल साइंस से आपको ब्रह्म की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। ये आदमी दौड़ रहा है जिसको गठिया बाई थी, दोनों हाथ ऊपर उठाकर साथ में ताली मार जोर से। शनिवार का दिन है, भगवान शनि के चरणों में आपने गुहार लगाई है और आपको उसका लाभ मिला। शरीर में दर्द कहाँ है बताइए मुझे? आपने कितने साल दवाई खाई है डॉक्टरों से? कंटिन्यू 10 साल हो गए दवाई खाते। 10 साल हो गए दवाई खाते हुए, और इन 10 सालों में उत्तरोत्तर उसकी तबीयत खराब हुई है। मैं नहीं कहूँगा, मैं एक शर्त एक आधार पे कहूँगा कि इसके दर्द बढ़े हैं ना कि घटे हैं। बोलिए हाँ के ना। दर्द घटे अभी नहीं, हॉस्पिटलों में जाने से दर्द बढ़े थे कि घट गए थे? बढ़े थे दर्द, बढ़ते रहे, जैसे जैसे इलाज कराते रहे दर्द बढ़ते रहे। अभी तो दौड़ पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है फुटबॉल ही खेल लेंगे। है जी। अब भाई आयुर्वेद वाले भी, एलोपैथी वाले भी, होम्योपैथी वाले भी, और एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, और जितने भी तरह के डॉक्टर हैं, स्पिरिचुअल साइंस के सामने आपको पता चल गया कि वे कुएं के मेंढक हैं और स्पिरिचुअल साइंस खुला सागर है। आगे ना, और वे कदापि चाहते भी किसी ऐसे व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी साइंस इससे आगे जा नहीं सकती। ठीक है, उनकी साइंस बता नहीं सकती कि एक जीव जो चेतन अंश है वो बंद खोखले के अंडे के अंदर कैसे श्वास ले रही है, कैसे पनप रही है, कैसे वृद्धि पा रही है, आगे ना, और फिर कैसे उसका प्राण युक्त हो जाता है खोल उतरते ही, और कहां से उसको श्वास आ जाता है, उस श्वास का आधार क्या है, और उसको पकड़ के लाने वाला देने वाला कौन है, उस शरीर में घुसाने वाला कौन है। ठीक है, जब वो मृत हो जाता है तब हम उसको क्यों नहीं घुसा पाते उस शरीर में? बोलिए शनिदेव महाराज। तो सारी साइंस यहाँ आके इस भाई पे आके फैल हो गई। एक बात और, हथौड़ी मारने से दर्द बढ़ते हैं ना कि घटते हैं? तो साइंस जितनी भी है वो शनि धाम के घर का आंगन का कुत्ता है, जैसे गोविंदा, गोविंदा साइंस से भी ऊपर है हमारा। रोजाना 1 किलो मिठाई खा के भी खाज को प्राप्त नहीं होता है ना, वृद्धि को प्राप्त होता है, चिकना होता जाता है, जैसे मिठाई चिकनी होती है ना, घी ऊपर आता है जैसे तैर के ऐसे। तो विपरीत भाव जहाँ देखने में मिले, वहाँ कुदरत की क्या महिमा होगी,
भगवान की क्या शक्ति होगी वहाँ कि ये भाई दौड़ रहा है, जो चलने की बात सोच रहा था कि वो चलता ऐसे था एक एक कदम, कैसे चलते थे पहले बता रहा, बिल्कुल लपक के चलते, कैसे लपक के चलते थे, ऐसे दर्द होता था, ऐसे लपक के चलते थे। कितनी देर वर्जिश कर ली, क्या हो रहा है ये तो बता दे, दर्द नहीं पता चल रहा। अब सुनिए ध्यान से, इसने जिन जिन हॉस्पिटलों के नाम लिए फिर से बताइए। बीएचयू में दवाई कराया था, बीएचयू बनारस, बनारस, और छोटे मोटे तो बहुत जगह इलाज कराया, छोटे मोटे बहुत जगह। जब तक आयुर्वेद अपनी सुविधा को नहीं पकड़ेगा तो आयुर्वेद यूं ही पागल हो मरेगा, कुछ दवाइयों के अलावा उसके पास बेचने के लिए कोई सार नहीं है, ठीक है। जबकि आयुर्वेद कौन सा वेद है मैं बता देता हूँ, ये वेदों से जुड़ा हुआ वेद है आयुर्वेद, और जिन महर्षियों ने इनकी स्थापना की है वेद की, उन्होंने इसमें मंत्र चिकित्सा को रखा था, लेकिन समय आने पर वो टूट गई। फिर और एक बात बता देता हूँ, दुनिया में कोई औषधि, कोई बीमारी ऐसी नहीं बनी और ना बनेगी कभी जो आयुर्वेद में जिसका इलाज असंभव होगा, उसका इलाज संभव है, बशर्ते हम ढूंढ ले, बशर्ते हम अपनी उस जड़ी को ढूंढ ले, अपनी उस वृद्धि को ढूंढ ले, ठीक है कि नहीं। तो बाबा रामदेव ने एक दिन ठीक ही कहा था कोरोना की दवाई उन बूस्टरों से ज्यादा काम करती है बाबा रामदेव की, आपको ना पता होता, हकीकत में उन बूस्टर से ज्यादा काम कर रही थी, आपको पता नहीं, जिसने सेवन किया उसको पता है, मैंने सेवन किया था, मेरे को दो बार कोरोना हुआ, पता ही नहीं चला कहाँ गया, कोरोना की दवाई खाकर। आयुर्वेद की ऐसी विधा है, ऐसी कला है, उसमें आपके बूस्टर बहुत है, आपको एक बूस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, आपके बूस्टर ही इतने हैं। क्या चल रहा है भाई, मूंगफली खाया कर, हाँ घोड़ा दौड़ना इसलिए बंद हो गया, उसने चने खाने बंद कर दिए, हाँ ना समझ में, बोलो शनिदेव महाराज, आप क्या समझोगे इस मरीज से जिसको गठिया बाए था, जोड़ जोड़ में दर्द था, और वो 5 मिनट सारे हो गए दौड़ते हुए, कितने मिनट की वीडियो हो गई, 5 मिनट की, 7 मिनट की, 7 मिनट की वीडियो होगी, 2 मिनट बाद दौड़ना चालू कर दिया था, बोलिए शंकर भगवान की, शनिदेव महाराज की। अब प्रतीप है उन सभी डॉक्टरों को, एक नदी या गंदे तालाब के पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो इस रोग का इलाज तो कर रहे हैं जिंदगी भर से, लेकिन उनसे ये रोग कति पे ठीक नहीं हो पा रहा है और नहीं हो सकता। अगले हजारों वर्ष भी अनुसंधान करें तो मंत्र औषधि जितनी तेजी से काम करती है आपके समक्ष आमने सामने उतनी तेजी से वो काम नहीं कर सकती। नंबर 12 आ जाए, दीपदान करके।